प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन, ये आपके लिए आपकी करंट एनर्जी है जो मैं बताना चाहूँगी, और कुछ ऐसा भी है जो मैं आपको आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी मैं देना चाहूँगी। बट सबसे पहले मैं आपकी जो करंट एनर्जी है, जिस कंडीशन में आप हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो वो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कुछ डिवाइन इस टाइम प्रेजेंट टाइम यानी दो कुछ दिनों से या दो दिन से या फिर काफ़ी मतलब कि ये टाइम आपको हो पता होगा, बट मुझे यह कुछ दिनों से लग रहा है, कुछ दिनों की एनर्जी मैंने पिक की है। तो वो मुझे जो मिली है वो ये है कि आप कुछ दिन से बहुत ही एकदम शांत शांति भरी लाइफ में है। शांति भरी मतलब आपके मन में कोई हलचल नहीं हो रही है, किसी चीज़ को जानने की तो इच्छा है कि किसी जो माइंड में थॉट आ रहे हैं, आइडिया आ रहे हैं, उनको जानने की इच्छा तो है, बट किसी बात को लेकर या अपने डीएम को लेकर या किसी ऐसी चीज़ को लेकर कोई मन में वरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अपने आप में एक तरह से ठहरी हुई है, या कहूँ कि आप अपने आप में ठहर चुकी हैं, बैलेंस में हैं। आप नहीं जा रही हैं आगे पीछे, नहीं सोच रही हैं। हाँ, थोड़ा आपको परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें परेशान नहीं कर रही हैं, और अदरवाइज़ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जिन चीज़ों से आपका कोई रابطہ नहीं है वो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बट आप उनको भी अच्छे से हैंडल कर रही हो। इस टाइम आप यूनिवर्स के साथ फेथ रखकर आप यही कहती हो कि नहीं, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है, उन पे भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही हैं, बहुत खूब कर रही हैं आप। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ डिवाइन बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेकर परेशानी में है, वो ये नहीं समझ पा रही हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट उनके लिए यही सजेशन है कि आपके सामने डोर ओपन है, और देखना आपको है, चुनना आपको है, डिसीज़न आपका ही रहेगा, बट आप उस डिसीज़न को लेने से डर रही हैं। प्लीज़ डरे नहीं, आप जानती हैं कि आपको क्या करना है। जो किसी टेंशन में फंसी हुई है, जिसका उनको सॉल्यूशन तो दिख रहा है लेकिन कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। एक सॉल्यूशन तो उनको पता है कि इसका सॉल्यूशन ये है, वो दरवाज़ा तो उनको दिख रहा है, बट वो उस तक पहुँचने से डर रही हैं, घबरा रही हैं कि पता नहीं इसका आउटकम क्या निकलेगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी ना टेंशन लें, बिल्कुल भी ना घबराएं, आप फेथ के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ें, क्योंकि हम पहले से ही ये तय नहीं कर सकते ना कि उसमें क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, बट हम एक विश्वास के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर हम किसी चीज़ में इंटर करते हैं, तो पॉजिटिविटी अगर हमारे साथ है, अंदर प्योरिटी से हमारे साथ भरी हुई है, तो हर चीज़ हमारे सामने पॉजिटिव नज़र आएगी, चाहे कितनी भी नेगेटिव ही उधर हो। तो गाइस, थोड़ा सा इसी के साथ आप आगे बढ़ें, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ कि जो होगा अच्छा होगा, ये खुद से बोलें। दूसरा, आपके लिए हो सकता है सोलमेट ऑफ़र आपके लिए आ रहा हो, कुछ ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और डिवाइन फेमिनिन इस टाइम कुछ जो फेमिनिन है वो बहुत ही एक तरह से पीसफुल एनर्जी में है, जो क्रिएटिव एनर्जी को चूज कर रही हैं। कुछ ऐसा नई नई उनके माइंड में थॉट आ रहे हैं, जिनको वो कर रही हैं, जान रही हैं, समझ रही हैं, और उनके ऊपर एक्शन ले रही हैं। वो जानना चाहती हैं हर चीज़ के बारे में, और जो उनको पहले कभी कुछ ऐसी हॉबी जो पहले कभी नहीं की, बस मन में तो था कि ये कभी मैं करूँगी, बट कभी कर नहीं पाए, तो अब वो डिवाइन फेमिनिन इस टाइम करते हुए नज़र आ रही हैं। अब वो अपने पावर को यूज करेंगी, अपने ब्रेन का यूज़ करेंगी, अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करेंगी, और आप और उस चीज़ को क्रिएटिव यानी कि एक रियलिटी में लाने की कोशिश कर रही हैं। अपनी हॉबीज़ को, अपनी पर्सनल लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उनको, और दूसरा आपकी जो भी इच्छा रही है, जो आपकी नहीं हो पाई किसी कारणवश पूरी, बट आप अब उसे जीती हुई नज़र आ रही हैं, जीने वाली हैं उस चीज़ को।
और सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि जो थोड़ा सा बरी कर रही हैं, टेंशन को क्रिएट कर रही हैं उनके आसपास जो एनर्जी या कहूँ या फिर कुछ भी ऐसा है जो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाता है, तो ये बिल्कुल भी ना घबराएं, बिकॉज चेंजिंग आपकी लाइफ में है और हर चीज़, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो या बहन भाई से हो, हमारा रिश्ता किसी से भी हो, हर रिश्ते में हर चीज़ में वक्त लगता है, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं कि हम जिसके साथ कनेक्शन में है या जिसके साथ रिश्ते में है हम दोनों की फ्रिक्वेंसी मिलती रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हम अगर समझदार हैं तो हमें समझदारी के साथ काम में लेना चाहिए बजाय झगड़े या फिर टेंशन के। तो हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें इग्नोर करें, बस अपने आप पर फोकस रखें और ईश्वर के साथ भरोसा रखें कि ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक अंत होता है। अगर रात है तो दिन भी होती है, दिन है तो सवेर रात भी होती है, तो इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं, आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगी। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने अंदर की छुपी हुई टैलेंट को बाहर निकालें और उसका यूज़ करें, क्योंकि क्या पता हमारे अंदर कभी कभी ऐसी चीज़ छुपी होती है जो कभी हम खुद नहीं जानते कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो या अपने आप को पहचानें और अपना अपना टाइम उसी चीज़ पर लगाएं, फोकस, कि आपको वो रिवॉर्ड मिले। या गाइस, ये थी फेमिनिन की करंट एनर्जी, आई होप रेजोनेट हुई हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।